नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार गौरव और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हम लोग गांधी युग मतलब आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने जब राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ना प्रारंभ किया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसके अंतर्गत हमने इसके 3 पार्ट को पढ़ा था। पहला इसका उदारवादी चरण जो 1885 से लेकर 1905 तक रहता है, फिर 1905 से लेकर के 1919 यानी 1919 तक रहता है, और दूसरा गांधीवादी युग जो 1919 से 1947 गांधी जी तक रहता है। कल हम लोग इसमें गांधी जी के जीवन के बारे में, जैसे गांधी जी का जन्म, गांधी जी का कैरियर, गांधी जी ने अफ्रीका गांधी क्यों गए, अफ्रीका में गांधी ने आंदोलन क्यों किया, कौन सी घटनाएं थीं जो एक साधारण व्यक्ति इतने महान व्यक्तित्व में बदल गया। आज भी साउथ अफ्रीका के लेखक ये लिखते हैं, आज भी साउथ अफ्रीका के इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि भारत ने तो मोहन भेजा था लेकिन हमने यहाँ से महात्मा बना के भेजा, यानी मोहन से महात्मा तक का दौर वो हमने कल जो है वो पढ़ा था। गांधी जी ने कब, कैसे, किस तरह आंदोलन किया, साउथ अफ्रीका में किस किस के लिए गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, एक चीज़। दूसरी चीज़, आज हम लोग गांधी जी के द्वारा भारत में जो जो आंदोलन किए गए हैं उनको स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और 100% आप ये जान लीजिए, आज जो एग्ज़ाम का ट्रेंड चल रहा है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो PCS हो, चाहे वो स्टेट PCS हो, RO हो, लोअर PCS हो, SSC हो, रेलवे हो, SI हो, कोई और छोटा एग्ज़ाम हो, जितने एग्ज़ाम होते हैं उन सब एग्ज़ाम में लगभग इतिहास से जो क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आता है, वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है, आधुनिक भारत के इतिहास से ही क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बस एक कंडीशन है कि आप इसे ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और अच्छा सा इस पर नोट्स तैयार करें। अब हम लोग आज का अपना काम स्टार्ट करते हैं, और काम क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण डेट है जो आप सभी बच्चे जानते हैं, और वो है 9 जनवरी 1915। ये देखिए 9 जनवरी 1915 से पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, टेलेस्टॉय फॉर्म और फिनिक्स आश्रम और टेलेस्टॉय फॉर्म ये दोनों क्या थे, फिनिक्स आश्रम और टेलेस्टॉय फॉर्म। टेलेस्टॉय फॉर्म की स्थापना और फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा कब और कहां की गई थी, सुनिएगा, आप क्वेश्चन सुनिएगा। 9 जनवरी 1915 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत वापस आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए कब थे, वो ईयर बताइए, वो डेट बताइए जिस डेट को गांधी जी साउथ अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पहुँचे। चलिए, 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता गांधी जी भारत वापस आए, और बेटा इसी उपलक्ष में 2003 से लक्ष्मीमल सिंघवी की रिपोर्ट के आधार पर या इनकी सिफारिश के आधार पर दोबारा से देखिएगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस आए,
और इनका भव्य स्वागत मुंबई बंदरगाह पर हुआ और 2003 से लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी की सिफारिश के आधार पर नौ जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये घटना 1915 की ही है, 1915 की ही घटना है। देखिए, आप सब बालक जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में प्रारंभ हो चुका था और बड़ी लेवल पर चल रहा था, इसीलिए अंग्रेज़ों ने एक बात कही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अंग्रेज़ों ने ये बात कही कि यदि भारत के लोग प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ देंगे तो इस युद्ध के बाद भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। आप प्लीज़ दोबारा सुनिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेज़ों ने भारतीयों से भारत में ऐसी घोषणा की कि यदि भारत के लोग प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ देंगे, हमारा सहयोग देंगे, तो इस युद्ध के बाद हम भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देंगे, हम भारत में डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे। डेमोक्रेसी मतलब हम शासन और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाएंगे। इस तरह से अंग्रेज़ों ने वादा किया था। अंग्रेज़ों ने कहा था कि यदि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय हमारा साथ देते हैं तो हम युद्ध के बाद भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देंगे, डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे। अच्छा, अब घटना क्या होती है, ऐसी बात जब गांधी जी ने सुनी, हालांकि ऐसी घोषणा अंग्रेज़ों ने उस समय पूरी दुनिया में की थी कि जो जो देश हमारा सहयोग करेगा हम सब में लोकतंत्र को प्रमोट करेंगे, तो क्या हुआ कि गांधी जी ने भारतीय युवाओं से अंग्रेज सेना में भर्ती होने के लिए प्रार्थना की, या गांधी जी ने भारतीय युवाओं को अंग्रेज सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। क्यों प्रेरित किया? क्योंकि गांधी ऐसा सोचते थे कि यदि हम प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता करेंगे तो अंग्रेज जो है वो उसके बाद युद्ध के बाद भारत में डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे। इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, भारतीय युवाओं से दक्षिण अफ्रीका में और भारत में भी पत्र के माध्यम से प्रार्थना की, अपील की कि भारत के लोग या भारतीय युवा ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज सेना में भर्ती हों। इसीलिए गांधी जी को हम लोग एक नाम और देते हैं, गांधी जी को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया, इसीलिए गांधी जी को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता। और इस सहयोग के लिए खुश होकर के, अंग्रेज सरकार ने 1915 में या 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि, उस समय हमारे देश में ये सबसे बड़ी उपाधि हुआ करती थी, गांधी जी को अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। दोबारा से सुनिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में पूरा मैटर आपके सामने एकदम क्लियर है। 9 जनवरी 1915 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए, मुंबई पोर्ट पर इनका भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने ऐसा वादा किया था, कि यदि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के लोग हमारा सहयोग करेंगे तो इसके बाद हम भारत में डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, हम लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देंगे, हम भारत के लोगों को शासन में हिस्सेदारी देंगे। गांधी जी ने सोचा कि ये अच्छा अवसर है, हमें अंग्रेज़ों की सहायता करनी चाहिए, अगर हम सहायता करते हैं तो युद्ध के बाद
हमें कुछ न कुछ प्राप्त होगा। बस यही सोचकर गांधी जी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया और इसीलिए गांधी जी को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता है। और इस सहयोग के लिए अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की, केसर ए हिंद की उपाधि दी। अच्छा, चलिए, खैर ये बात हो गई। अगली चीज़, जैसा कि आप सब बालक जानते हैं, आप सब बालक समझते हैं कि जो है गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो क्या थे, गांधी जी के जो है वो राजनीतिक गुरु थे। अच्छा, बहुत सारी पुस्तकें मैंने भी पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होंगी, बहुत सारी पुस्तकों में ये लिखा है कि गोपाल कृष्ण गोखले के आदेश पर गांधी जी ने 2 वर्ष तक भारत की यात्रा की। लेकिन गांधी जी अपनी जीवनी में, अपनी आत्मकथा में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसमें गांधी जी लिखते हैं कि मैंने 1 वर्ष तक जो है वो कोई भी राजनीतिक गतिविधि या जिम्मेदारी न लेने का वचन जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को दिया है। यानी मेरे हिसाब से गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले के आदेश पर ही गांधी जी ने 1 वर्ष तक पूरे भारत का दौरा किया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोखले ने गांधी को ये समझाया था कि आप साउथ अफ्रीका से आए हैं, आपने साउथ अफ्रीका में बड़ा आंदोलन किया है, आपने साउथ अफ्रीका में भारतीयों की आवाज़ को, भारतीयों की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया है, लेकिन आप भारत में भारतीयों की समस्या को नहीं जानते, आप 22 वर्ष बाद अपने देश लौटे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले आप 1 साल तक पूरे भारत में घूमिए और घूम के भारत के लोगों की आप समस्याओं से परिचित होइए। बस इसी आदेश को मानते हुए, अपने गुरु के आदेश को मानते हुए गांधी जी ने 1 वर्ष तक भारत का दौरा किया। मुंबई आए थे गांधी जी और मुंबई आने से के बाद गांधी जी पूना गए, पूना से गांधी जो हैं वो शांति निकेतन गए। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ। ऐसा कहा जाता है कि जब गांधी जी पूना के बाद और शांति निकेतन गए तो वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा, ऐसा कहा जाता है। चलिए, खैर, हम लोग ऐसा डिस्कशन कर रहे थे कि गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक क्या करने का आदेश दिया, भारत में भ्रमण का आदेश दिया। और बेटा, भारत में भ्रमण का आदेश दिया और 1916 में 1916 दिसंबर 1916 में आप सब बालक जानते हैं कांग्रेस का 31वां अधिवेशन कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। जरा सुनिएगा बात को। 1 वर्ष तक उनके गुरु ने कहा था आपको जो है देश का भ्रमण करना है, और दिसंबर 1916 में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। आप इस अधिवेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमने कल ही इसको डिस्कशन किया था। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कांग्रेस का 31वां अधिवेशन लखनऊ में होता है और यहाँ गांधी जी इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए गांधी लखनऊ आए थे। गांधी जी इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए गांधी जो हैं वो लखनऊ आए थे। लेकिन अब यहाँ एक नई घटना होती है और बेटा 1917 से और 1918 ये 2 साल में गांधी जी ने भारत में 3 बड़े आंदोलन को अंजाम दिया या 3 आंदोलन का नेतृत्व किया। 1917 से 1918 के बीच में गांधी जी ने 3 बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया और दिसंबर 1916 में गांधी जी जो हैं कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने आए। अब यहाँ इस चीज़ को यहीं छोड़ दीजिए और जो 3 आंदोलन का गांधी जी ने नेतृत्व किया था 1917 और 1918 में, हम उसमें अब पढ़ने जा रहे हैं चंपारण सत्याग्रह को। ये हमारे गांधी जी के द्वारा भारत में किए जाने वाला पहला आंदोलन था। ये गांधी जी के द्वारा भारत में किए जाने वाला
पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह इसका जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन आप लोग फिर भी अपना शानदार सा नोट्स बनाइए, बढ़िया सा नोट्स बनाइए, बार बार लिखिए, लिखने का प्रयास करिए। अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आपके अंदर अगर एक स्किल है तो आप बहुत अच्छे, और वो स्किल है लिखने की। आप कितने भी होशियार हैं, आप पूरी धरती, आप पूरे ब्रह्मांड को समझते हैं, लेकिन आप अच्छा नहीं लिख सकते, सिलेक्शन कभी सिविल में नहीं हो सकता है। और अगर आप कम होशियार हैं, बहुत कम होशियार हैं, लेकिन आपकी लिखने की स्किल बहुत अच्छी है, तो आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखना सीखिए। इसीलिए मैं अपनी पहली क्लास से बार बार आपसे कहता हूँ कि आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा। हम लोग बात कर रहे थे चंपारण सत्याग्रह 1917। देखिए, चंपारण जो है वो बिहार में स्थित है, बिहार में स्थित है, आज भी है। और नाम चंपारण, देखो चंपा, चंपा के फूल होते हैं, और रण्य का मतलब या आरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। यानी चंपा के फूलों का जंगल, का जंगल, ये है बिहार की भूमि का एक जिला जिसका नाम है चंपारण। और ये चंपारण वैसे आजकल दो भागों में बट गया है, एक है पूर्वी चंपारण और दूसरा है पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण का जो हेड ऑफिस है वो मोतिहारी है, और मोतिहारी का पूरा नाम आजकल बापूधाम मोतिहारी ऐसा है। और पश्चिमी चंपारण का जो मुख्यालय है वो बेतिया में है। दोबारा सुनिएगा, हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, मैं आपको चंपारण से परिचय करा रहा हूँ। चंपारण बिहार में स्थित है, और चंपारण का मतलब होता है चंपा के फूलों का आरण्य, मतलब चंपा के फूलों का जंगल। एक चीज, वर्तमान में इस चंपारण के दो भाग कर दिए गए, पूर्वी चंपारण जिसका हेड ऑफिस मोतिहारी है, और दूसरा पश्चिमी चंपारण जिसका हेड ऑफिस बेतिया है। अच्छा, अब अंग्रेजों ने यहाँ एक नियम बनाया था। क्या नियम बनाया था? अंग्रेजों ने ये कहा था कि भैया, सभी किसानों को अपनी उपजाऊ भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होगी, नील की खेती करनी होगी। अच्छा, करनी होगी, जरा समझते हैं इस बात को, दोबारा से सुनिएगा। चंपारण बिहार में स्थित है, आप समझ गए, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सब जानते हैं आप। अब मैं क्या बता रहा हूँ, अंग्रेजों ने यह नियम बनाया था कि सभी किसानों को अपनी उपजाऊ भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना होगा, या नील की खेती करनी होगी। 3/20 भाग का मतलब क्या है? मतलब ये है कि बिहार में आज भी एक बीघा जमीन जो होती है, दोबारा से सुनिएगा, एक बीघा जमीन में 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा को मिला करके एक बीघा जमीन बनती है। जैसे एक एक पैसे, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, वैसे एक बीघा जमीन में 20 कट्ठा होता है। और अंग्रेजों ने ये कहा था कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे क्या करना जरूरी है बेटा, 3 कट्ठे पे जो है वो नील की खेती करना अनिवार्य है। एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, और 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे पे आपको नील की खेती करना है, और बचे हुए 17 कट्ठे पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कोई भी अन्य फसल उगा सकते हैं। और बेटा, इसी व्यवस्था को हम लोग जो है वो 3 काठिया पद्धति कहते हैं। इसी व्यवस्था को हम जो है 3 काठिया पद्धति कहते हैं, इसी व्यवस्था को हम लोग जो है वो 3 काठिया पद्धति कहते हैं। अच्छा, अब सुनिएगा, ठीक है, खैर, चंपारण सत्याग्रह 1917। आपसे कोई पूछे, कभी भी पूछे, मेरी तो प्रार्थना है भगवान से आप PCS का इंटरव्यू देने जाएं, वहाँ आपसे पूछे कि चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या था, तो आप ऐसे जवाब दीजिएगा कि सर, चंपारण में अंग्रेजों ने एक एक बहुत ही विषम निर्णय दिया, बहुत ही विषम आदेश लागू किया कि सभी किसानों को
अपनी उपजाऊ भूमि के 3/20 भाग पर यानी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी होगी और इसे 3 काठिया पद्धति कहा जाता है और इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था। एक चीज, दूसरी चीज, अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ये नील की खेती जो है वो अंग्रेज क्यों करवाते थे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये नील की खेती अंग्रेज क्यों करवाते थे, अंग्रेजों का क्या फायदा था। नील को बेटा इंडिगो कहते हैं, आप सब बालक समझते होंगे। देखो जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर में अंग्रेज भारत से कपास ले जाते थे और सूती वस्त्र का निर्माण जो है वो कहाँ होता था, लंदन में सूती वस्त्र का निर्माण होता था। और बेटा जो आजकल हम लोग जिस कलर के कपड़े पहनते हैं वो सिंथेटिक कलर का कपड़ा होता है। पहले सिर्फ वाइट कलर का कपड़ा होता था, सफ़ेद कलर का कपड़ा होता था, उसे नीले में, इंडिगो में, नीले में डुबो दिया नीला बन गया, पीले में डुबो दिया पीला बन गया, हरे में डुबो दिया हरा बन गया और ब्रश उठा के उस पर अलग कलर से पेंटिंग बना दी तो कपड़ा रंग बिरंगा हो गया। इसीलिए दुनिया में जितनी मांग कपास की थी, जितनी मांग कॉटन की थी, उतनी ही मांग बेटा नील की थी। नील एक पौधा होता है जिसके बीजों से, जिसके बीज जो इसके बीज होते हैं उसको आगे प्रोसेस करके नील बनाया जाता था और कपड़ों को कलर करने के लिए पूरी दुनिया में नील की बड़ी मांग थी, नील की बहुत ज़्यादा मांग थी। और बेटा नील की बहुत ज़्यादा मांग थी और भारत जो है ब्रिटेन को, अंग्रेजों को 95% तक नील अंग्रेज भारत से ले जाते थे। उनकी कुल मांग का 95% तक का हिस्सा अंग्रेज भारत से ही नील ले जाते थे। दोबारा सुनिएगा, नील की अंग्रेजों को क्या ज़रूरत पड़ गई। तो आप ऐसे बताइएगा कि सूती वस्त्रों को कलर करने के लिए, रंग बिरंगा करने के लिए नील आवश्यक होता था, नील आवश्यक होता था। और भारत अंग्रेज भारत से 95% तक नील जो है वो ले जाते थे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे देश के किसानों को क्या आपत्ति थी कि हम भैया नील की खेती नहीं करेंगे। पहली आपत्ति, फर्स्ट ऑफ ऑल आपत्ति, आप सुनिएगा, पहली चीज़, नील के खेत में लागत बहुत लगती थी। लागत बहुत लगती थी मतलब बेटा अंग्रेज कहते थे कि पानी से भरा हुआ घड़ा वो ऊपर से गिराया और खेत में गिराया और यदि घड़ा फूट गया, टूट गया, तो खेत जो है वो नील की खेती के लिए तैयार नहीं है। यानी नील की खेती के लिए खेत को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ता था। यानी आप सोचिएगा, भरा हुआ घड़ा ऊपर से छोड़ रहे वो अगर खेत में टूट जाता है इसका मतलब खेत तैयार नहीं है, और अगर वो टूट जाता है तो खेत तैयार नहीं है, और यदि वो नहीं टूटता है तो खेत तैयार है, मतलब खेत की मिट्टी इतनी मुलायम होनी चाहिए। तो एक तो नील की खेती बहुत ही कॉस्ट वाली होती थी, खेत को तैयार करने में बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता था, उतना पैसा धान के लिए या गेहूं के लिए खर्च नहीं करना पड़ता था, एक कारण, इसीलिए भारत के किसान इसका विरोध कर रहे थे। दूसरा कारण, नील का जो पौधा होता है उसकी जड़ें नीचे तक, बहुत नीचे तक जाती हैं, जिसकी वजह से भूमि जो है वो बंजर बन जाती है या बंजर बनने का डर होता है और इससे धान की खेती को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दो कारण इसके, पहला कारण मैंने बताया कि एक तो ये इसमें लागत बहुत ज़्यादा थी, दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि नील की खेती की वजह से नील के पौधे की जड़ बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है जिसकी वजह से भूमि बंजर होने का डर बना रहता है और ये चावल की खेती को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। दूसरा कारण हमने डिस्कशन किया। और तीसरा कारण क्या है बेटा, देखिए सिंथेटिक कलर के कपड़े होते थे, हम लोग कपड़े अभी पहनते हैं,
अच्छा, उससे पहले कपड़ा वाइट कलर का होता था, नील से इसे रंग बिरंगा किया जाता था। लेकिन 1910 के आसपास जर्मनी में सिंथेटिक कलर की खोज हो जाती है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में नील की मांग बहुत कम हो गई। जिसके कारण नील के दाम बहुत कम हो गए। लागत बहुत ज़्यादा है और नील के दाम बहुत कम हैं, इसीलिए किसानों को बहुत नुकसान हो रहा था। इसलिए किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। ये तीसरा कारण है। जर्मनी में सिंथेटिक कलर की खोज हो चुकी थी, इसलिए पूरी दुनिया में नील की मांग कम हो गई थी। इसलिए नील के दाम बहुत कम हो गए थे, इसलिए किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। तीन कारण हो गए। और चौथा और सबसे बड़ा कारण, अंग्रेजों की हमारे देश में हुकूमत चलती थी, सरकार चलती थी, सत्ता में बैठे हुए थे, और वो एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो नील का व्यापार करती थी। उनका व्यापारिक एकाधिकार था, जबरदस्ती नील की खेती कराते थे और नील की बहुत कम कीमत अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी। ऐसा ये सब कारण थे जिसकी वजह से चंपारण के किसान जो है वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे। बेटा, इस नील की खेती के अलावा अंग्रेज कुल 45 प्रकार के कर भी चंपारण में लगाते थे। ये एक बुरी व्यवस्था थी नील की खेती जो है, जिसके अंतर्गत किसानों को बुरी तरह से लूटा जाता था, किसानों के साथ बुरी तरह से अत्याचार किया जाता था। जो किसान ये नील की खेती करने से मना करते थे, उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था। इस पर एक बार बंगाल के डिप्टी मजिस्ट्रेट ईडी लाटूर ने कहा था कि मानव रक्त से रंजित हुए बिना नील की कोई गांठ इंग्लैंड नहीं पहुंचती। तो हमने यहाँ डिस्कशन किए कि साहब, ये तीन काठिया पद्धति थी क्या? तीन काठिया पद्धति में अंग्रेज क्यों खेती करवाना चाहते थे? क्योंकि उन्हें सूती वस्त्र के लिए कलर जो है वो चाहिए था। और भारतीय क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि एक तो लागत ज़्यादा आती थी, दूसरा इससे भूमि बंजर होने का डर रहता था, तीसरा जर्मनी में सिंथेटिक कलर की खोज हो गई थी इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग कम हो गई थी, चौथा अंग्रेज इस पर एकाधिकार जमाए हुए थे। अच्छा, अब इस समस्या का समाधान, तो इस समस्या के समाधान के लिए चंपारण के किसान जो है वो आंदोलन करते रहते थे और इसमें एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल अनपढ़ किसान थे। इनके लिए मैं अनपढ़ शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, गांधी जी ने किया है। राजकुमार शुक्ल जो हैं वो एक किसान थे और उनको पता चला कि दिसंबर 1916 में 31वां अधिवेशन चल रहा है, कहाँ? लखनऊ में। और यहाँ गांधी जी आए हुए हैं राजकुमार शुक्ल साहब ने ट्रेन पकड़ी और पहुँचे गोरखपुर, और गोरखपुर से साहब जो है ये आ गए आपके लखनऊ। और इन्होंने गांधी जी से कहा, गांधी जी को पूरी कथा सुनाई, बड़ा दुख हुआ गांधी जी को। और तुरंत क्या हुआ, जो होना था वही हुआ। क्या हुआ कि लखनऊ अधिवेशन में तीन काठिया पद्धति के विरोध में एक प्रस्ताव कांग्रेस ने पास कर दिया मतलब कहा कि हाँ, हम इस पर अंग्रेजों से बात करेंगे, प्रस्ताव पास कर दिया। लेकिन किसान ने क्या कहा, देखो मैं हूँ अनपढ़, मैं ये प्रस्ताव कुछ जानता नहीं हूँ, गांधी जी मैं आपको लेने आया हूँ और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। गांधी जी ने ये कहा, मैं कभी ज़रूर आऊँगा, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा। अच्छा, उसके बाद गांधी जी जो हैं वो लखनऊ से चले गए कानपुर,
और वो कानपुर में क्या देखते हैं कि राजकुमार शुक्ल वहाँ से पहले से हैं, और वो कानपुर में गांधी जी से कहते हैं मालिक यहाँ से बहुत कम दूर का रास्ता है, ज़्यादा ज़्यादा 4-5 घंटे में पहुँच जाएंगे, एक बार आप चलो। तो गांधी ने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ज़रूर आऊँगा, अभी मेरे पास समय नहीं है। गांधी जी कानपुर से जो है वो कहाँ पहुँच गए, अहमदाबाद, और वो देखते हैं कि अहमदाबाद में राजकुमार शुक्ल जो है वो पहले से मौजूद है, और फिर कहा सरकार मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। तो इस पर गांधी जी ने ये कहा कि बेटा ऐसा है, जब तुम जिदी कर रहे हो ना तो अगले महीने यानी अप्रैल में मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, अप्रैल में मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, और कलकत्ता में मुझसे मिलो। अच्छा, कलकत्ता मूल्य अप्रैल में गांधी जी कलकत्ता आने थे, और जब गांधी जी कलकत्ता आने वाले थे 2 दिन पहले राजकुमार शुक्ल कलकत्ता पहुंच गए, और जब 2 दिन पहले राजकुमार शुक्ल पहुंच गए, गांधी जी ने उनको देखा, तब गांधी जी ने अपनी जीवनी में लिखी है ये लाइन कि उस अनपढ़ और दृढ़ निश्चयी मतलब जिसका निश्चय दृढ़ हो, निश्चयी व्यक्ति ने मुझे जीत लिया। ये गांधी जी अपनी जीवनी में लिखते हैं। 2 दिन पहले ही कलकत्ता जो है राजकुमार शुक्ल पहुंच गए, और 9 अप्रैल 1915 को गांधी जी और राजकुमार शुक्ल साहब के साथ 2-3 लोग और थे, गांधी जी के साथ भी 2-3 लोग थे, और ट्रेन में बैठे हुए थे कलकत्ता से, और कहाँ आ रहे थे, पटना। यानी गांधी जी जो है कलकत्ता से आए पटना, और पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ रुके, ये गांधी जी की पहली पटना यात्रा थी। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र साहब जो हैं उस समय पूरी उड़ीसा गए हुए थे, इसलिए वो इनको यहाँ नहीं मिल पाए। अच्छा, पटना से गांधी जी जो हैं वो पहुँचे मुजफ्फरपुर, ये भी बिहार में है, और मुजफ्फरपुर से गांधी जी जो हैं वो 15 अप्रैल 1917 को दोपहर 3 बजे और कहाँ पहुँचे भैया, अपने स्थान यानी मोतिहारी, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जब गांधी जी मोतिहारी पहुँचे तो 2000 लोग जो हैं वो गांधी जी को लेने आए स्टेशन, 2000 लोग, ये कंफर्म हो गया था कि भैया गांधी आ रहे हैं। हम दोबारा से एक बार डिस्कशन करेंगे, अभी मैंने आपको 3 काठिया पद्धति बताया था कि होता क्या है। इसके विरोध में राजकुमार शुक्ल को ये पता चला कि लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, वहाँ गांधी जी आए हुए हैं। राजकुमार शुक्ल गोरखपुर से लखनऊ आते और गांधी जी से मिलते चंपारण चलने का निवेदन करते हैं, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ यहाँ उनसे वादा किया कि हाँ मैं एक दिन आऊँगा। लेकिन गांधी जी फिर लखनऊ से कानपुर गए, राजकुमार शुक्ल भी कानपुर गए, गांधी जी अहमदाबाद गए, राजकुमार शुक्ल भी अहमदाबाद गए। तब गांधी जी ने वादा किया कि अप्रैल में वो कलकत्ता जा रहे हैं। राजकुमार शुक्ल अप्रैल में कलकत्ता पहुंच गए और गांधी जी को अपने साथ लेकर के आए। गांधी जी पहले पटना गए, पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ रुके, पटना से मुजफ्फरपुर गए, और मुजफ्फरपुर से 15 अप्रैल 1917 को दोपहर 3 बजे मोतिहारी पहुंचे, और जब गांधी मोतिहारी पहुंचे तो 2000 लोग गांधी जी को लेने के लिए आए। खैर कोई बात नहीं, गांधी जी मोतिहारी पहुँच गए, अंग्रेज सरकार का मूड खराब, और जैसे मोतिहारी पहुंचे ट्रेन से उतर रहे थे, सरकार ने ये कहा कि गांधी जी आप इलाका छोड़ दीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, गांधी ने कहा ठीक है गिरफ्तार कर लेना, लेकिन गिरफ्तारी करनी है ना तो यहाँ ना करो, मोतिहारी में करना, क्योंकि अगर आप यहाँ गिरफ्तारी करेंगे तो जो मोतिहारी की जनता है उसको दुख लगेगा, उसे ठेस पहुँचेगी, वो जो है कमज़ोर पड़ जाएगी।
इसीलिए गांधी जी ने कहा कि गिरफ्तारी कहाँ हो, जो है मोतिहारी में हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए गांधी जी ने बिना बहस किए जो है वो गांधी जी वहीं के वहीं मामले को सुलझाते हैं। लेकिन जब गांधी जी मोतिहारी पहुँचे तो गांधी जी को ये पता चला कि जसौली पट्टी नामक गाँव में, एक किसान को अंग्रेजों ने नील की खेती के लिए बेरहमी से पीटा है। गांधी जी को ये पता चला जब गांधी जी मोतिहारी पहुँचे 15 अप्रैल को कि जसौली पट्टी नामक गांव में नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने एक किसान को बेरहमी से पीटा है। तब गांधी जी ने प्लान बनाया कि 16 अप्रैल 1917 को यानी अगले दिन गांधी जी जसौली पट्टी जाएंगे। और जब गांधी जी जसौली पट्टी जा रहे थे, अंग्रेज सरकार ने धारा 144 तोड़ने के लिए गांधी जी पर केस दर्ज कर लिया। दोबारा सुनिएगा, गांधी जी को धारा 144 तोड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 16 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया और केस चला दिया। और जब 17 अप्रैल को इस केस की सुनवाई होनी थी तो जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ 2000 से ज़्यादा लोग गांधी जी के साथ पहुँचे। और ऐसी स्थिति को अंग्रेज सरकार ने देखते हुए ये केस क्या किया, वापस ले लिया। और उसके बाद इस तीन काठिया पद्धति की जांच के लिए एक कमेटी बनी और एक साल में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें तीन काठिया पद्धति को इसने अवैध घोषित किया और उसके बाद तीन काठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया गांधी जी के अन्य मित्र जैसे ब्रज किशोर हो गए, जे बी कृपलानी हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, महादेव देसाई हो गए और नरहरि पारख ये गांधी जी के प्रमुख मित्र थे जो कि इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ ब्रज किशोर, आचार्य जे बी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई ये आदि नेता इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चंपारण सत्याग्रह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं अब गांधी जी चंपारण में, इस दौरान मैं आपको और थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस दौरान गांधी जी ने चंपारण में दो तीन कमियाँ देखी, दो कमी क्या क्या देखी। एक तो चंपारण के लोग साफ सफाई से नहीं रहते हैं और दूसरा चंपारण में अशिक्षा का माहौल बहुत ज़्यादा है। इसीलिए गांधी जी ने चंपारण में बहुत सारे स्कूल की स्थापना की थी गांधी अपनी जीवनी में लिखते हैं, गांधी जी की आत्मकथा आप भी पढ़ सकते हैं। प्ले स्टोर पर आप जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर, गूगल ने ही गांधी जी की आत्मकथा का ऐप बनाया हुआ है, आप पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। सत्य के साथ अनुभव ऐसा है, आप पढ़ लीजिएगा। सुनिए, हाँ तो हम लोग बता रहे थे, हम लोग आगे डिस्कशन कर रहे थे कि जब गांधी जी चंपारण में आंदोलन चल रहा था, अभी चंपारण का रायता ख़त्म भी नहीं हुआ, उससे पहले गांधी जी को एक मैसेज और मिल जाता है। वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है आपके गुजरात से। पहला संदेश ये था कि अहमदाबाद में जो मजदूर हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। दूसरा संदेश जो मिलता है वो खेड़ा भी गुजरात में है और वहाँ किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। बस गांधी निकल चलते हैं। तो अब हम सबसे पहले अपना अगला टॉपिक देखते हैं, वो है अहमदाबाद नील आंदोलन। ये नील नहीं है आंदोलन, ये नील नहीं है, ये मील है। जैसे चीनी मील होता है, आटा मील होता है, कपड़ा मील होता है, वो वाला मील है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। मैं मजदूर और लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मजदूर आजकल बहुत चर्चा में भी हैं, है ना, और कोई समूह समुदाय होता तो चल जाता, लेकिन मजदूर है तो उसकी कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो सिर्फ मजबूर है। हम लोग ऐसा डिस्कशन कर रहे थे अहमदाबाद मील आंदोलन या अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ये आंदोलन मार्च 1918 में हुआ, एक बार यूपीपीसीएस में आई थिंक ईयर रहा होगा 2018,
2000 प्री में अहमदाबाद मिल आंदोलन, चंपारण मिल आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह, इन तीनों के ईयर को क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन आया था और ये वाला क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना, चंपारण सत्याग्रह अप्रैल में स्टार्ट हुआ, 15 अप्रैल को गांधी मोतिहारी पहुँचे थे, मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है और इसके बाद जून में जो है वो खेड़ा सत्याग्रह होता है, जून 1918 में। चलिए अहमदाबाद मिल आंदोलन की शुरुआत करते हैं। आप सब बालक जानते हैं अहमदाबाद जो है वो गुजरात में स्थित है और हर एक चीज़ का, हमारे रोहित सर कहते हैं हर चीज़ का कंसेप्ट होता है, अगर कुछ हुआ तो क्यों हुआ, तो आप क्यों जानने की ज़रूर कोशिश करिएगा। प्लीज़ कुछ भी फैक्ट के बेस पर पढ़ने का प्रयास न करिए, आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे फैक्ट पढ़ेंगे तो, इसलिए कंसेप्ट को समझिएगा। क्या अहमदाबाद में साहब जो है वो प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, प्लेग की बीमारी, प्लेग की बीमारी मतलब चूहों से होने वाली बीमारी है, चूहों पर जो है चूहों के शरीर पर पिस्सू जन्म लेते हैं और वो पिस्सू अगर मनुष्य को काट लें तो उससे मनुष्य को ये प्लेग की बीमारी हो जाती है। और पिस्सू ने जिस मनुष्य को काटा है अगर वो व्यक्ति खांसता है तो ये वायरस जो है वो हवा में फैल जाता है, जिसकी वजह से महामारी फैल जाती है। वैसे भी जानते हैं आजकल कितनी बड़ी महामारी चल रही है, पूरी दुनिया के लिए हैडक बनी हुई है, लेकिन उस समय अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। इसीलिए मिल में काम करने वाले मजदूरों को उनकी मालिक जो हैं वो 35% का बोनस दे रहे थे, यानी जो उनकी सैलरी है उसका 35% बोनस मिल रहा था। जैसे किसी की सैलरी 10,000 है तो उसे 13,500 रुपये का वेतन प्राप्त हो रहा था। अच्छा, अब भगवान के आशीर्वाद से ये प्लेग की बीमारी जो है वो समाप्त हो गई, प्लेग जो है वो ख़त्म हो गया। इसीलिए मिल के मालिक कह रहे थे कि बोनस भी अब समाप्त किया जाता है, बोनस भी अब समाप्त किया जाता है। ठीक है, एक सीन ये है। दूसरा सीन क्या है साहब, प्लेग की बीमारी तो ख़त्म हुई लेकिन 1918 आते आते प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया और प्रथम विश्व युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई आ गई, पूरी दुनिया में महंगाई आ गई। और बेटा पूरी दुनिया में महंगाई आ गई इसलिए ये जो मिल के मजदूर हैं वो ये कह रहे थे कि बीमारी तो चले गई है लेकिन महंगाई बहुत आ गई है, इसीलिए इस 35% बोनस को कंटिन्यू किया जाए, इसलिए ये 35% बोनस हमको दिया जाए। दोबारा सुनिएगा, अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी इसलिए मिल में काम करने वाले मजदूरों को 35% बोनस प्राप्त हो रहा था, लेकिन बीमारी समाप्त हो गई और उसके बाद महंगाई आ गई प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 में, इसीलिए मिल में काम करने वाले मजदूर चाह रहे थे कि 35% बोनस जो है वो कंटिन्यू रहे। लेकिन जो मिल के मालिक थे वो क्या कह रहे थे कि हम मैक्सिमम 20% बोनस दे सकते, इससे ज़्यादा बोनस नहीं मिलेगा। अच्छा, एक व्यापारी थे अम्बालाल, उनकी बहन थी अनसुईया बहन। हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल अनसुईया बहन, ये जो हैं वो एक महिला थी। इन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा, कहा कि गांधी जी आप आइए प्लीज़, गांधी जी को पत्र लिखा और ये जो किसानों ये मजदूरों का इतना कम वेतन है उस पर आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गांधी जी जो हैं वो अहमदाबाद पहुँचे और सत्याग्रह किया, पूरा जो है आंदोलन किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो गांधी जी ने क्या किया, अनशन किया, भूख हड़ताल की, जो कि गांधी जी के द्वारा भारत में किए जाने वाला पहला अनशन या पहली भूख हड़ताल थी। अहमदाबाद आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा अनशन किया गया, भूख हड़ताल की गई, जो कि गांधी जी के द्वारा भारत में किए जाने वाली पहली भूख हड़ताल थी। यहाँ इस आंदोलन में गांधी जी के साथ जो नेता थे वो वल्लभ भाई पटेल थे, शंकरलाल बैंकर थे, अनसुईया बहन थी, ये सब गांधी जी के साथ यहाँ नेता थे। दोबारा सुनिएगा, अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन
मार्च 1918 यहाँ प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, जिसके कारण 35% बोनस मिलता था। लेकिन अब इस बोनस को समाप्त किया जा रहा था और इसका विरोध मजदूर कर रहे थे। मजदूर क्यों कर रहे थे? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में महंगाई अत्यधिक आ गई थी, इसलिए मजदूर चाह रहे थे कि 35% बोनस को जारी रखा जाए। मिल के मालिक 20% बोनस देना चाहते थे। अनुसुईया बेन ने गांधी जी को पत्र लिखा और अहमदाबाद आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी ने यहाँ आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, कुछ हुआ नहीं, तो गांधी जी ने यहाँ अनशन किया और ये गांधी जी के द्वारा भारत में किए जाने वाला पहला अनशन था। तो इस तरह आपने देखा कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, काय के खिलाफ? मताधिकार छीने जाने के खिलाफ था। अच्छा, दूसरा सत्याग्रह कहाँ किया? भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो वो चंपारण में था। और पहली बार अनशन कहाँ किया? तो वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान, जो कि मार्च 1918 में हुआ था। अब देखिए अगला, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा भी गुजरात में स्थित है। और उस समय नियम ये था कि यदि प्राकृतिक आपदा के कारण अगर किसान की फसल जो है बर्बाद हो जाती है और खेत में 1/4 फसल भी नहीं होती है, 1/4 फसल भी नहीं होती है तो लगान जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। कंसेप्ट को समझिएगा। नियम ये था, खेड़ा गुजरात में स्थित है और नियम ये था कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण यदि खेत में 1/4 फसल भी नहीं होती है, मतलब 25% खेती भी नहीं होती है, तो बेटा पूरा लगान जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसा नियम था, लेकिन अंग्रेज सरकार इसके बावजूद भी क्या कर रही थी? लगान वसूल रही थी। अच्छा, दो व्यक्ति आते हैं यहाँ। कौन कौन दो व्यक्ति आते हैं? पहले मोहन लाल पांड्या। इन पांड्या भाई को, मोहनलाल पांड्या को जो है प्याज चोर भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला कि प्याज चोर, निम्न में से किसे प्याज चोर की संज्ञा दी गई है? तो मोहनलाल पांड्या। और दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था शंकर लाल पारेख। इन दोनों ने गांधी जी को पत्र लिखा और चंपा और ये जो है खेड़ा आने का निवेदन किया। ध्यान रखिएगा, गांधी जी को चंपारण ले जाने का श्रेय राजकुमार शुक्ल को है। दूसरा, अहमदाबाद आने का श्रेय जो है वो अनसुईया बहन को है। और खेड़ा जाने का श्रेय जो है वो मोहन लाल पांड्या यानी प्याज चोर और शंकर लाल पारेख को दिया जाता है। अच्छा, गांधी जी खेड़ा पहुंच गए। उसके बाद गांधी जी ने पूरी स्थिति की जांच की, पूरा माहौल देखा और उसके बाद इस मुद्दे को सुनने के लिए या सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। देखिए, इन तीनों आंदोलन में आप ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने कभी भी सत्याग्रह नहीं किया, गांधी जी ने कभी भी हिंसात्मक आंदोलन नहीं किया, गांधी ने सत्याग्रह किया। और गांधी ने कानून के रास्ते, चंपारण सत्याग्रह को कानून के रास्ते ही सुलझाया था गांधी ने। और गांधी जी ने ऐसा किया था चंपारण में तो कि अंग्रेजों की नीति को अंग्रेजों के यहाँ चैलेंज कर दिया, और अंग्रेजों ने अपनी ही नीति को गलत ठहरा दिया। ये था चंपारण सत्याग्रह। और ये लाइन गांधी ने लिखी है कि ये जो निर्णय है वो अंग्रेजों ने अपने ही खिलाफ दिया है, ये उन्हीं के खिलाफ था, ये उन्हीं के लिए था। अच्छा, तो मैं डिस्कशन कर रहा था, इस खेड़ा सत्याग्रह के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, लेकिन उससे पहले ही अंग्रेज सरकार ने
चुपचाप से अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया और इसने कहा कि जो किसान लगान दे सकते हैं, जो किसान लगान दे सकते हैं, केवल उन्हीं से लगान लिया जाएगा, जो किसान की लगान दे सकते हैं केवल उन्हीं से लगान लिया जाएगा। यानी ज़्यादातर ऑलमोस्ट सभी किसानों का लगान माफ़ हो गया और गांधी जी के द्वारा जो ये खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया वो भी लगभग क्या रहा, सफल रहा। यानी आज हमने 3 सत्याग्रह पढ़े, पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा जो है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन और तीसरा जो है वो खेड़ा सत्याग्रह। अब हमें एक चीज़ समझनी है, इन तीनों सत्याग्रह का निष्कर्ष क्या निकलता है। पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि गांधी जी को ये भरोसा और विश्वास हो गया था कि भारत की जनता वाकई कुछ बड़ा करने के मूड में है। भारत की जनता जिस तरह से सहयोग कर रही है, जिस तरह से सहयोग की भावना आंदोलन के प्रति रख रही है, मतलब देश में कुछ भी बड़ा किया जा सकता है, पहला। दूसरा, गांधी समझते थे कि ये जो आंदोलन है, इस दौरान गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता को भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि बिना हिंदू मुस्लिम एकता के देश की आज़ादी संभव नहीं है। क्योंकि गांधी जी पहले देख चुके हैं कि अंग्रेज़ों ने किस तरह फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। और इसके बाद जब ये 3 आंदोलन हमारे देश में हो गए तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया, अंग्रेज सरकार ये देखती है जिसको देखो वो आंदोलनकारी बन रहा है, जिसको देखो वो जो है नारे लगा रहा है, गांधी बन रहा है। इस तरह से देश में अहिंसा या देश में मैं चाहूँगा कि सत्याग्रह की भावना पैदा हो रही है और हर कोई सत्याग्रही बन रहा है, हर कोई गांधीवादी बन रहा है, हर कोई आंदोलनकारी बन रहा है। तो इस आंदोलन की भावना को नष्ट करने के उद्देश्य से, तोड़ने के उद्देश्य से अंग्रेज सरकार जो है वो रोलेट एक्ट जैसा कानून लाई। ये रोलेट एक्ट क्या था, खिलाफत आंदोलन क्या था और असहयोग आंदोलन क्या था, इन दोनों तीनों टॉपिक पर हम कल डिस्कशन करेंगे। जैसे रोलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया और आपका जो है असहयोग आंदोलन हो गया। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, इसको बार बार पढ़ें, देखें, इस पर एक शानदार सा नोट्स बनाएं। इसके साथ ही मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और अच्छा सा नोट्स बना के आप हमें भेज भी सकते हैं और उस पर जो भी होगा हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।